इधर मुल्ला बरादर के गायब होने के पीछे आपसी झगड़े की बात सामने आई थी, लेकिन तालिबान इसे छुपाता रहा। लेकिन ये बात अब सच साबित हुई कि सत्ता के संघर्ष को लेकर राष्ट्रपति भवन में मुल्ला बरादर की खलीलुर रहमान हक्कानी के साथ खूनी झड़पें हुई थी। तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता का स्वाद लेना चाहता है। जीत का श्रेय और सत्ता के बंटवारे के दौरान हुए खूनी संघर्ष ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में उप प्रधानमंत्री बरादर और हक्कानी नेटवर्क के नेता खलीलुर रहमान, जो शरणार्थी मामलों के मंत्री हैं, दोनों के समर्थकों के बीच आपसी कहासुनी हुई थी। बात इतनी बढ़ी कि हिंसक झड़पें हुई जिसमें एक मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। हालांकि तालिबान इस पर पर्दा डालता रहा है। तालिबान के मुताबिक वो बहुत जल्द वापस काबुल आ जाएंगे। बताया जाता है कि तालिबान की अंतरिम सरकार में फूट के बाद बरादर ने काबुल छोड़ दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।